ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा लिया है। मोहन भागवत का अकाउंट किया अनवेरिफाइड। ट्विटर ने आरएसएस के चार बड़े नेताओं के हैंडल से ब्लू टिक हटाया। आरएसएस नेता कृष्ण गोपाल, सुरेश जोशी, अरुण कुमार के खिलाफ कार्रवाई। जी हिंदुस्तान की खबर का बड़ा असर, ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल को फिर से किया वेरीफाइड। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल से हटाया था ब्लू टिक, विरोध के बाद ट्विटर ने लिया यू टर्न। ब्लू टिक हटाए जाने पर ट्विटर इंडिया ने दी सफाई, कहा 6 महीने में एक बार लॉग इन नहीं किया। ट्विटर की कार्रवाई से आईटी मंत्रालय बेहद नाराज, केंद्र ने कहा ट्विटर ये देखना चाहता है कि भारत किस हद तक सब्र करता है, ट्विटर की दलील गलत। केंद्र सरकार ने ट्विटर को भेजा फाइनल नोटिस, नए नियमों को लेकर सरकार ने नोटिस भेजकर ट्विटर से जवाब मांगा है। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया जारी, बाजार और मॉल को खोला जाएगा, ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 7 जून से 50% क्षमता के साथ खुलेगी मेट्रो, 50% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खुलेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में एक दिन में 400 केस आए सामने, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काबू में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि थर्ड वेव के लिए भी तैयारी जारी है, हर दिन 37,000 केस के हिसाब से हो रही है तैयारी। देश में कोरोना के केस में आई कमी, 2 महीने बाद एक दिन में सबसे कम 1,20,454 नए मामले सामने आए। देश में 24 घंटे में 3,380 नए केस आए सामने, सक्रिय मामलों की संख्या 15,55,248 है। कोरोना से देश में रिकवरी रेट 93.38% हुई, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 5.78% हुई, लगातार 12 दिन पॉजिटिविटी रेट 10% से कम। भारत में 2 कंपनियां बनाएगी स्पुतनिक वी, डॉक्टर रेड्डीज के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भी रूसी वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिली है। भारत ने किया वैक्सीन पासपोर्ट के आइडिया का विरोध, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विकासशील देशों के लिए बताया भेदभाव करने वाला। देश में अभी तक महज 3.12% लोगों को लगी वैक्सीन, रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में पीक आने के बाद मई में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी दिखाई। 31 मई तक दुनिया भर में 2 बिलियन लोगों को वैक्सीन दी गई, जबकि भारत में महज 200 मिलियन लोगों को लगी वैक्सीन। कोरोना महामारी में मई में हुई कुल मौतों में से 52% ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट में खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से इस बार सबसे ज्यादा गांव प्रभावित, देश में कोरोना के 53% नए केस गांव में। कोविड के बाद पोस्ट कोविड बढ़ा रहा है मुश्किलें, दिल्ली में सरकारी आईसीयू खाली, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में अभी भी कई जगह फुल है वेंटिलेटर। अनलॉक के बीच यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से फिर दिल्ली लौट रहे प्रवासी मजदूर, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिख रही मजदूरों की भीड़। महाराष्ट्र सरकार का कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपाने का आरोप, बीजेपी के मुताबिक सरकार ने कोरोना से मौतों के 40% आंकड़े छुपाए हैं। महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर सियासत तेज, राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय बड़ेटी दीवार के बीच में कांग्रेस के 2 बड़े नेता सामने आए। तमिलनाडु में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कुछ जिलों में राहत भी मिलेगी, 30% वर्कफोर्स के साथ खुलेंगे सरकारी ऑफिस। यूपी के सीएम योगी ने मजदूर संघ के 35वें समिट का किया वर्चुअल उद्घाटन, कहा आपकी मेहनत से हो रहा है नए भारत का निर्माण। सीएम योगी ने कहा कि मजदूरों के हित के लिए काम कर रही है सरकार, किसानों की मदद से मजदूर संघ आगे आए। कोरोना पर सीएम योगी का बयान, कहा यूपी में घटी कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 1,000 से कम केस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निशाने पर पीएम मोदी, कहा कोरोना को लेकर केवल झूठे ऐलान किए गए। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कोरोना से युद्ध जीत लेने की झूठी घोषणाएं की और घटा दी गई थी ऑक्सीजन आईसीयू और वेंटिलेटर बेडों की संख्या। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, स्विमिंग पूल में 100 लोग कर रहे थे तैराकी, पुलिस ने छापा मारा तो मची भगदड़। कोरोना के मामलों में आई कमी, पंजाब में 24 घंटे में 2009 नए केस, हरियाणा में 895 तो हिमाचल में एक दिन के कोविड में आए 787 नए मरीज। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का संपूर्ण क्रांति दिवस आज, गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट में किसानों का हंगामा। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट में किसानों और पुलिस के बीच झड़प, किसानों ने बैरिकेड तोड़ा, धरना देने पर अड़े। गाजियाबाद में किसानों ने कृषि बिलों की जलाई प्रतियां, नए कृषि कानून के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। किसानों के बवाल को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, किसी को भी सिंघू बॉर्डर की ओर जाने की इजाजत नहीं। टिकरी बॉर्डर पर भी सिंघू बॉर्डर की तरह ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने संभाला मोर्चा। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी का किसानों को संबोधन, कहा एथेनॉल 21वीं सदी की सबसे बड़ी जरूरत, गन्ना किसान एथेनॉल भी बनाएंगे।
पीएम मोदी ने पुणे में इथेनॉल वितरण केंद्र का उद्घाटन किया, कहा 2025 तक इथेनॉल के लक्ष्य को करेंगे पूरा, इथेनॉल सेक्टर के लिए रोडमैप तैयार है। विश्व पर्यावरण दिवस पर अमित शाह ने किया ट्वीट, कहा पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी, मोदी सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया वृक्षारोपण, कहा पर्यावरण को संरक्षण हम सबको मिलकर करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में किया पौधारोपण, ऑक्सीजन का भी किया शिलान्यास। विश्व पर्यावरण दिवस पर वाराणसी में लोगों की पहल, गंगा की सफाई में जुटे लोग, तुलसी का पौधा भी किया गया भेंट। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया पौधारोपण, लोगों को पौधा लगाने और पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने के दिया संदेश। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ, पेड़ लगाने वालों का किया सम्मान, विजेताओं को दिया प्राणवायु अवार्ड। यूपी समेत 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक शुरू। बैठक में चुनावों को लेकर और मौजूदा हालात से उबरने के लिए रणनीति की तैयारी, सेवा ही संगठन अभियान भी लॉन्च किया गया जेपी नड्डा की तरफ से। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव को लेकर आरएसएस भी रणनीति में जुटा है, सूत्रों के मुताबिक आरएसएस प्रमुख की मौजूदगी में जल्द होगी बड़ी बैठक। योगी आदित्यनाथ का 49वां जन्मदिन आज, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर दी बधाई। केंद्र सरकार और ममता सरकार पर तकरार बरकरार, आज टीएमसी की मीटिंग, मंत्रिमंडल समेत कई बड़े बदलाव के संकेत। तृणमूल कांग्रेस का दावा, बीजेपी के 30 विधायक और 3 सांसद बीजेपी छोड़ना चाहते हैं और वो लगातार टीएमसी के संपर्क में हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बमबारी की घटना, 10 घरों में फेंके गए बम, लूटपाट की वारदात को दिया गया अंजाम। नॉर्थ 24 परगना में बमबारी की घटना के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया, लोगों में आतंक का माहौल। लखनऊ बाइक बोर्ड घोटाले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने फ्रेंचाइजी मालिक के ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए बरामद की 153 बाइक, 2 आरोपी हिरासत में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीके नारायण बने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ओर से जारी किया गया नियुक्ति पत्र। सुल्तानपुर में युवक की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज, मृतक के परिजनों की तहरीर पर एसपी के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ट्रांसफर में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश का असर, सुबह की कई जेलों में पुलिस की छापेमारी, पटना के बेऊर जेल से चाकू और मोबाइल बरामद। झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूल को मिली मंजूरी, राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। पटना सिटी इलाके में कार से जा रहे बैंक कर्मचारी की हत्या, हाईवे पर जमीन विवाद में गोली मारने की आशंका, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। कोरोना संकट काल में मध्य प्रदेश में जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को मिला आईएमए का समर्थन, मंत्री विश्वास सारंग बोले बातचीत के दरवाजे खुले हैं। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदर्शन, अपने अपने घरों के बाहर धरने पर बैठे नेता, पीसीसी चीफ मोहन बरकाप ने भी घर के बाहर किया धरना। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, पीएचई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे सुरेंद्र कुमार चंद्रा पर शिकंजा कसा गया, भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में 1,72,00,000 की संपत्ति अटैच की। मुक्तसर के लंबी थाना के सामने रोष प्रदर्शन करते हुए आपके 13 नेताओं समेत 150 लोगों पर मामला दर्ज, कोविड नियमों की अवहेलना का आरोप। हिमाचल बीजेपी के विधायक नरेंद्र बरागट्टा का चंडीगढ़ पीजीआई में निधन, दिल की बीमारी से ग्रसित थे, सीएम जयराम ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई में जीआरपी की मुस्तैदी में बची मुसाफिर की जान, सब अर्बन डॉकयार्ड रेलवे स्टेशन की घटना। पटना की तर्ज पर आरा रेलवे स्टेशन पर भी मधुबनी पेंटिंग की रौनक, मधुबनी से आए कलाकार स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग से सजाने में जुटे हुए हैं। केरल के कोट्टयम से आई खास तस्वीरें, अपने महावत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा हाथी, हाथी ने महावत को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के नैनीताल में खाई में गिरी अनियंत्रित कार, हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने घर में डाली डकैती, पति पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर की लूटपाट। बिहार के अरवल में ओवरलोड ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिहार के पटना में पेंट फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा तफरी, सभी कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। फैक्ट्री में केमिकल होने से आग ने लिया विकराल रूप, कई गाड़ियां आई चपेट में, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग, कहा कश्मीर में पहले की स्थिति बहाल होने पर ही भारत से करेंगे वार्ता। ताइवान में समंदर में क्रेन से टकराया जहाज की टक्कर के बाद टूटी क्रेन, जहाज पर गिरा भारी भरकम क्रेन।
जहाज पर क्रेन गिरते ही अफरा तफरी मच गई। क्रेन के गिरने की वजह से कुछ मजदूर फंसे, हालांकि बाद में उन्हें निकाल लिया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फेसबुक की सख्त कार्रवाई, 2 साल के लिए अकाउंट किया बंद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप, कैपिटल में दंगे होने के बाद ब्लॉक किया गया था अकाउंट। भारत और इंग्लैंड के बीच अगस्त में होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को लेकर सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी, कहा इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से जीतेंगे सीरीज। आईसीसी ने किया ऐलान, भविष्य में भी खेली जाती रहेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मनी का दावा, भारत में नहीं खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने किया खुलासा, कहा हम पाकिस्तान में कोचों को वैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं कर रहे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम का ऐलान, 24 सदस्यीय टीम का किया गया चयन। ओलंपिक से 49 दिन पहले भारत को झटका, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में फेल। नागिन फिल्म एक्टर पर लवीपुरी पर नाबालिग से छेड़ और छेड़खानी का आरोप, मुंबई पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। सलमान खान संग कानूनी लड़ाई के बीच के आर के ने अर्जुन कपूर को बताया अपना असली दोस्त, ट्वीट कर बोले असली मर्द जो किसी से डरता नहीं। शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए गुड न्यूज, खबर है कि जल्दी फेमस टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में आ सकते हैं नजर। श्वेता तिवारी की बेटी पलक का इंस्टाग्राम पर कमबैक, जबरदस्त लुक में आई नजर। सामने आई यामी गौतम आदित्य धर की शादी की और तस्वीरें, जिसमें यामी गौतम बेहद खूबसूरत नजर आ रही। छोटी बच्ची में कूट कूट का भरा है टैलेंट, मासूम बच्चे का शानदार ड्रम बजाने का वीडियो वायरल हुआ। पानी पीने के लिए आलसी हथिनी ने दिखाई चालाकी, गड्ढे में मुंह न डालकर वहां रखे पाइप उठाकर पीने लगी पानी। पुल के किनारे बने रेलिंग पर साइकिल चलाकर युवक ने सबको किया हैरान, लोगों ने की युवक के स्टंट की तारीफ। पीछे खड़े होकर जिराफ के साथ छेड़खानी कर रहा था गैंडा, जिराफ ने मारी जोरदार लात तो चारों खाने चित हो गया गैंडा। कृत्रिम पैर के सहारे ऊंचे टीले पर चढ़ी बच्ची, कई प्रयासों के बाद भी नहीं मानी हार। युवा की छलांग लगाकर नहर पार करने की कोशिश हुई फेल, दीवार से टकराकर गिरा नहर में। कैरम खेलते खेलते बच्चों की तरह लड़ने लगे 2 बुजुर्ग, दादा ने दूसरे बुजुर्ग को मारे कई मुक्के। मालिक के शवासन करने पर कुत्ते को हुई गलतफहमी, पास आकर सुनने लगा धड़कने। बेटे के ग्रेजुएट होते ही झूमने लगे पिता, नाचते नाचते स्टेडियम से गिरे हॉल में। बारिश के लिए मेढक मेढकी की शादी का वीडियो वायरल, पूरे रीति रिवाजों से कराई गई शादी।